बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मैं बना रही हूँ मेहंदी का अरक नाखूनों पे लगाने के लिए। इसमें मैंने शामिल की है चाय की पत्ती और चीनी और गुड़। गुड़ को मैंने अच्छे तरह से कूट लिया है। अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, डिब्बे में डालूँगी, क्योंकि मैंने बाज़ार से मेहंदी का अरक मंगाया है, उसका कलर अच्छा नहीं आया। ये देखें, मेरे नेल जो है पीले पीले हो गए। तो ये पकाओ मेहंदी, तो इसका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है, तेज़ कलर आता है। अक्सर आपने मेरी वीडियो पर देखा होगा। ये देखें, डब्बे में ऐसे चारों तरफ रखते हैं और बीच में रखेंगे प्याली, ताकि ये उबल उबल कर प्याली में आएगी। फिर मैं इसमें बना लूँगी, क्योंकि डिब्बा मेरे पास नहीं है। मैंने डिब्बा जो है अपनी सास से लिया है, वो अक्सर मेहंदी बनवा लेती रहती हैं, तो उन्होंने मुझे दिया है, वो फिर लेने आ जाएंगी। इसलिए मैंने कहा चले मैं जो है मेहंदी पका लेती हूँ। ये देखें, सारी इसमें मैंने डाल दी है, ये इस तरह चारों तरफ डाल दी है। और अब मैं रखूँगी बीच में ये प्याली, ताकि जब मेहंदी पकेगी तो इसके अंदर आएगी। बीच में ही रखनी है ध्यान से, बस ये साइड पे ना हो। एक तो मेरा हाथ बड़ा है, डिब्बा छोटा है। ये देखें, मैंने सेंटर में रख दिया है और अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने चूल्हे पे रखी है और साथ ही रखूँगी ये पानी से भरी हुई पतीली, ताकि ये गर्म हो तो पता चल जाता है और फिर आवाज़ आनी शुरू हो जाती है चुड़ चुड़ की। और साथ बना रही है मेरी बेटी जो है गोश्त फ्राई करना है इसने, तो ये उबाल रही है ताकि ये गल जाए, तो फिर ठंडा होगा तो हम इसमें मसाले लगाएंगे। ये हम बना रहे हैं चिटकारा बोटी, फ्राई करेंगे। इसमें वो चीज़ें शामिल होनी है, मसाले शामिल होने हैं। अभी जो है हमने पानी में बॉईल किया ना, इसमें नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल किया है, ताकि गोश्त की स्मेल ना रहे। खड़े हो जाओ। तो इसका पानी कुछ हो रहा है, गल चुका है माशाल्लाह ये अच्छे से। ये देखें, मेहंदी में जो है ये भाप निकलना शुरू हो गई है, क्योंकि मेहंदी जो है पकनी शुरू हो गई है। और जब ये अच्छी तरह पकेगी तो जो साइडों पे मैंने चीनी गुड़ वगैरह पत्ती रखी है, कड़क कड़क की इसमें आवाज़ आनी है, और जो मेहंदी का अरक है सारा प्याली में आ जाएगा। तो बोतलों में दवाई की जो मेडिसिन की होती है बच्चों के सीरप वगैरह की, इसमें भर के रख लूँगी, ताकि ये मेरे काफ़ी अर्से तक चलेगी। तो मैं ऊपर के खाने में रखूँगी फ्रिज के, ताकि ये ख़राब ना हो। और जब मेरा दिल करेगा, क्योंकि ज़रा सा अरक चाहिए होता तो दोनों हाथों पर लग जाता है। अच्छा, ये देखें, ये मेहंदी की जो है ये भाप निकलना शुरू हुई भी है, और ये भाप निकलती रहेगी, और इसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैल गई है, बहुत तेज़ इसकी खुशबू होती है। और साथ साथ हम बना रहे हैं ये गोश्त, इसको उबाल रहे हैं। देखिए, अच्छे से गल चुका है, बस पानी जो है वो खुशक करना है, तो इसलिए मैंने जो है चूल्हे की आँच तेज़ कर दी है। और कुछ आज गैस भी बहुत कम आ रहा है, तो मेहंदी ये बनाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छी है। नेल पॉलिश से अच्छा ये मेहंदी का अरक लगाएं, ताकि नमाज़ पढ़ने में भी आसानी हो, और हमें ये बहाना ना मिले कि नेल पेंट लगा हुआ है तो हम नमाज़ कैसे पढ़ें। मेहंदी का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है बहुत, और कुछ के हाथों पे, कुछ लेडीज़ के हाथों पे तो बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत तेज़। मुझे उसी कलर का शौक है, पता नहीं लोग बोलते हैं कि जिनकी सास ज़्यादा प्यार करती है उनके हाथों पे कलर ज़्यादा आता है। अब पता नहीं मेरी साथ प्यार करती है या नहीं करती, क्योंकि उनकी मर्ज़ी होती है अपनी, कुछ बहुएँ फेवरेट होती हैं कुछ नहीं, इसलिए शायद मैं फेवरेट बहुओं से नहीं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह उनकी 6 बहुएँ हैं, एक सा प्यार तो किसी से भी नहीं कर सकती, किसी से ज़्यादा होता है और किसी से कम, जबकि मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरे हस्बैंड से इतना प्यार नहीं है तो मुझसे क्या होगा। चलें, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी रखे। फिर भी जब हमारे घर आती हैं, हम जो इतनी इज्जत होता है होती है, हम करते हैं माशाल्लाह। उनकी ज़ाहिर माँ है मेरे शोहर की, तो मेरी भी माँ है, तो खाना वाना सब करती, क्योंकि 6 भाई हैं, 6 भाई अलहदा अलहदा ही रहते हैं, अपना सेपरेट, सबका अपना अपना घर है। और इनका दिल जो लगता है अपने सबसे छोटे बेटे के घर लगता है, तो वहाँ बहुत खुश रहती हैं, आ जाती हैं, इधर भी आ जाती हैं, हमारे यहाँ भी दूसरे बेटों के भी चली जाती हैं, 2 बेटे इनके फैसलाबाद रहते हैं,
तो 2 महीने के लिए वहाँ गई हुई थी। बड़ी से पहले ही आई हैं, तकरीबन 8-10 दिन पहले आई हैं वहाँ से, 2 माह रह कर आई हैं उधर से। तो ये है कि इसकी जो आँच है ना, तेज़ ही रखनी चाहिए ताकि आँच अच्छे से लगे चारों तरफ डिब्बे के, और जो मेहंदी है वो उबल उबल कर जो मैंने प्याली रखी है सेंटर में उसमें आ जाएगी। बस थोड़ा सा ये पानी रह गया है, फिर दिखाएंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग उसमें क्या होने वाला है, आप ज़रूर देखिएगा। मैं दिखाऊंगी जब मेहंदी का अरक निकल जाएगा, मैं मुकम्मल आपको मेहंदी पकाना बताऊंगी। जब अरक निकल जाएगा फिर मैं इन बोतलों में डालूंगी, छोटी छोटी जो बोतलें मैंने ये दिखाई हैं तो मैं डालूंगी इसके साथ। ये मेरी नवासी का है, वो इससे सिरप पीती है, दवाइयाँ वगैरह, लेकिन अब ना एक्सपायर हो गया है तो मैंने कहा चले मैं इससे अपना ही मेहंदी का काम ले लेती हूँ। और क्या, ये मेरा बेटा है। जितनी तेज़ चूल्हे की आँच होगी उतनी ही तेज़ी से उन चीज़ों ने पकना है और प्याली में आना है, इसलिए आँच को सही रखें। बिल्कुल इतनी तेज़ भी नहीं रखें कि पतीली जो है वो ही गर्म हो जाए। बस उसके अंदर देखें ये पानी है, ये गर्म हो चुका है उसकी भाप से मेहंदी की, और मेहंदी हमारी हो चुकी है तकरीबन रेडी, क्योंकि आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं खड़खड़ की। ये हो रहा है, देखें कितनी कितनी भाप इसकी निकल रही। पहले लोग इसमें आटा लगा लेते थे कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले ताकि मेहंदी ज़्यादा से ज़्यादा पके। ये देखें जी, मैंने मेहंदी का डिब्बा चूल्हे से उतार लिया है और मेहंदी आपको शायद अभी भाप इसमें बहुत है तो ये प्याली में आपको मेहंदी नज़र आ रही है। अभी ये ज़रा ठंडा हो जाएगा डिब्बा और प्याली, तो मैं इसको बाहर निकालूंगी फिर इन बोतलों में भर लूँगी। मुझे लग रहा है मेहंदी शायद और पकनी है अभी, क्योंकि खड़खड़ की आवाज़ तो है इसमें, लेकिन अभी मेहंदी ने और अरक शायद निकल आए हो। देखिए जी, मैंने मेहंदी फिर रख दिया पकने, क्योंकि अभी मेहंदी का अरक और निकलना है, और ये गोश्त भी मैंने उतार लिया है चूल्हे से नीचे। ये ठंडा होगा फिर इसमें मसाले लगेंगे, फिर ये फ्राई करेंगे हम लोग। तो इसमें आवाज़ जो है बड़ी खड़ फड़ की आ रही है। ये सिर्फ अरक जो है नेल पे ही लगता है, ये मेहंदी दूसरी तरह नहीं लगती। इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करें और मेहंदी मिक्स करके नाखूनों पे लगा लें, ज़्यादा मोटा मोटा मत लगाइएगा क्योंकि ये देर से खुशक होती है। पतला पतला ही लगाइएगा ताकि जल्दी से जल्द खुशक हो। लोग पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे हैं और हम लोग घरों में ही बैठे हुए हैं। पहले दौर में इतना मज़ा आता था, लोग घूमने जाते थे, सब एक दूसरे की दावतें करते थे। अब तो लोग ही बहुत बेरुखे हो गए हैं, एहसास नहीं रहा लोगों के दिलों में, कोई भी दावतें नहीं करता, सब अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। और ये देखे जी, सर लटकन को ना बाहर लटका के रखी, ये बाहर देखती रहती है गंजे मंजे पापों को। ये देखें भाप किस कदर निकल रही है, अब मेहंदी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हो गई होगी। ये देखें थोड़ा सा कलर और निकल आया। अब हमारे घर आ गए हैं गेस्ट, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।